सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी क्लास 11th की फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हम एक बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अच्छे वाले मटेरियल के साथ कवर करेंगे। फिजिक्स का मैं आपके लिए चैप्टर 1 ही सबसे पहले लेने जाना हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड अप है, बहुत ईजी भी है लेकिन समझने वाला है, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसको हम पार्ट्स में कवर करेंगे। आज होने वाला है इस वीडियो का पार्ट 1, चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में जिस टॉपिक की बात करनी वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है चार्ज? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि एसोसिएट करती है मैटर के साथ, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस करती है और एक्सपीरियंस करती है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि एसोसिएट करती है मैटर के साथ और प्रोड्यूस कर देती है, या फिर हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को। अब देखिए, हम अभी तक क्लास 11th में जो देख रहे थे वो एक मैटर था जिसको हम अपनी आंखों से देख पा रहे थे। वो ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, गिर रहा था या ऊपर उछल रहा था, ये सब हमें दिख रहा था। लेकिन चार्ज ऑफ कोर्स हम नहीं देख सकते, वही मैग्नेटिक जो चीज़ें हैं वो भी हम नहीं देख सकते हैं। तो इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम सिर्फ इसका एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी दैम। द एक्सेस A deficiency of electrons in a body is a cause of net charge on a body. अगर हमारी बॉडी में या फिर किसी की भी बॉडी में हमारी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस चलते रहते हैं, बट अभी हम अपनी बॉडी की बात ना करके हम किसी भी चीज़ की बॉडी की बात कर रहे हैं, तो किसी भी बॉडी में किसी भी एक्सेस होना या फिर कमी होना इलेक्ट्रॉन्स की कॉज करता है उसके अंदर चार्ज को। कि अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिए हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज गेन हो जाएगा, जैसे कि हम केमिस्ट्री में करते हैं। अगर किसी ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, किसी और को दे दे, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता था। इसी तरीके से हाँ भी होता है। अब क्या वही हम आगे चल के देख लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आके होते क्या क्या हैं। इन टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। क्यों? क्योंकि जो भी बॉडी है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देती है किसी और को, तो उस पर तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, मतलब उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन विद नेगेटिव चार्ज। तो इस वजह से इसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। वही नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेस हो जाता है। मान लीजिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी और चीज़ को दिया, तो इस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, तो इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा हो जाता है, तो इसी को हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। यूनिट की बात करें हम तो इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर इंटू सेकेंड, दैट इज कूलम्ब। कूलम्ब जो है इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। डायमेंशन की बात करूँ तो इसकी डायमेंशन होती है 80। क्यों? क्योंकि क्यू इक्वल्स टू दैट इज द चार्ज इक्वल्स टू हीट इंटू टाइम, हीट इंटू टाइम। आई एम राइटिंग टाइम एज टी। तो हीट की क्या यूनिट हुई? एम्पियर, और टाइम की टी डायमेंशंस में। तो जैसे इसका फॉर्मूला हो गया 80। आगे बात करूंगा मैं प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ चार्ज, और भी जो इसकी यूनिट हो सकती है वो क्या है, एम्पियर पर आर, जो कि होती है 3600 कूलम। फैराडे में होती है 96,500 कूलम। ये भी हमारी डिफरेंट यूनिट्स है जिनका हमें ज़्यादा यूज़ से नहीं आएगा लेकिन आपको याद रखनी है।
अच्छा मिलिकन थे, उन्होंने डेटन माइन कर लिया था क्वांटा ऑफ अ चार्ज और उन्होंने एस्टिमेट करा था इसको इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या डिटरमाइन करा था इन्होंने? इन्होंने डिटरमाइन कर लिया था क्वांटा। व्हाट इज क्वांटा? क्योंकि आपने केमिस्ट्री में देखा था कि जब भी कोई ऑर्बिट होता था और हमें एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो था वो दूसरे में शिफ्ट करवाना होता था, तो इसी को हम बोलते थे क्वांटा ऑफ अ चार्ज। अब बताया गया है 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 3×10⁻⁹ स्टार्ट कूलम्ब एंड 1 एब्सोल्यूट माइनस कूलम्ब इक्वल्स टू 10 C एंड 1 फैराडे इक्वल्स टू 96500 कूलम्ब। इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें सिर्फ इतना ही याद करना है, ये सब की हमें बिल्कुल भी नीड नहीं है, इस वजह से इसको मैं लीव करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। नोट को हम एक बार ही पढ़ लेते हैं, लेकिन चेंज ऑफ फंडामेंटल चार्ज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो चार्ज होता है इज देयर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, जो इनका जो चार्ज होता है वो उनकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होती है, वहीं जो किसी बॉडी पे डिपेंड करता है जैसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉडी के इनसाइड से ही होता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी के इनसाइड हैं वही उसकी करेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं, वही जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनका जो अपना खुद का होता है इंटरनल करेक्टरिस्टिक। अब कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं चार्ज की जो कि हमें याद करनी है, CBSE में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एंड होती तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन सब इसमें कन्फ्यूज होकर इसको छोड़ देते हैं, हमें छोड़ना नहीं है, हमें इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कही जा रही है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इट रिप्रेजेंट एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्केलर क्वांटिटी मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन इसमें नहीं बताई जाती, अप है, डाउन है, लेफ्ट है कि राइट है, ऐसा वर्डिंग्स आपको क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलने वाले हैं। चार्ज ट्रांसफरेबल है, एक बॉडी और दूसरी बॉडी को अगर हम साथ में रखें तो इन दोनों में चार्ज हो सकता है ट्रांसमिट। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज है वो हमेशा मास के साथ एसोसिएट होता है। कैसे? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज जो है ये ऑलवेज डिपेंड करता है मास पे, लेकिन मास का चार्ज से कोई कंपल्शन बिल्कुल भी नहीं है, अगर चार्ज ना भी हो तो भी मास हम देख सकते। सो द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इटसेल्फ इज अ कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मास। अगर कोई चार्ज किसी बॉडी पे डेवलप हो रहा है मतलब वो जो बॉडी है उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, तभी तो उस पर चार्ज डेवलप हो रहा है, इस वजह से बताया जा रहा है कि ये प्रूफ है कि मास होता है। एंड मास ऑफ अ बॉडी चेंजेस आफ्टर बीइंग चार्ज, अगर किसी बॉडी का चार्ज पहले कुछ और था और अब वो कुछ और हो चुका है तो उसका जो मास है उसमें भी ऑफकोर्स चेंज आया है। जब किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो उसका मास डिक्रीज हो जाता है, क्यों हो जाता है इसका भी हमें भी अभी लाइव एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यस सी, हमने बोला कि अगर हम किसी को पॉजिटिव चार्ज मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे दिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसने अपने किसी और को दे दिया, अब इसने अपने पास से कुछ दिया है, अपने पास से कुछ दोगे तो आपका जो मास है वो तो ऑब्वियसली डिक्रीज ही करेगा, लेकिन वहीं अगर आप पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब इसने इस वाले से कुछ लिया है, लेना मतलब हमने किसी से कुछ ले लिया तो उस पर हमारे पास क्या हो जाएगा, मास जो हमारा बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि हम ले रहे हैं कुछ, हम अपना दे नहीं रहे हैं। देन चार्ज इज क्वांटाइज, क्या मतलब है? क्वांटनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज प्रेजेंटेड बाय ही।
Thus, charge Q of a body is always given by Q equals to Ne. Q equals to Ne is a representative form of charge. जहाँ पे n जो है वो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है और e जो है उसकी वैल्यू फिक्स होती है जो कि क्या है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। ये बात हमें याद करनी है। चार्ज जो है वो कंजर्व होता है कि अगर आप देखेंगे किसी बॉडी का इनिशियल चार्ज इतना था और वो फाइनल स्टेट में पहुंच गई तो भी उसका चार्ज जितना यहाँ पर था उतना ही चार्ज उसका यहाँ पर भी रहने वाला है। चार्ज इज इनवेरिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज व्हाट एवर विद इट्स स्पीड। कितनी भी स्पीड से कोई बॉडी चल रही हो कुछ भी हो रहा चार्ज का उससे कोई लेना देना नहीं है। वही मास जो है उसका लेना देना है। क्यों? क्योंकि मास का एक फॉर्मूला बनता है m इक्वल्स टू तो एक जो हमारी वेलोसिटी है उसमें इनडायरेक्टली डिपेंड हो जा रहा है। सो वैसे इसका रिलेशन है वेलोसिटी के साथ स्पीड के साथ, लेकिन ऐसा कोई भी फॉर्मूला चार्ज के लिए हम नहीं दे रहे हैं। आगे करते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। अब मान लीजिए कोई भी स्पीड जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की जीरो है, मतलब वो रेस्ट पे है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उस पर क्यू जो है उसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी तरीके से अब वो उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो गई तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड तो लग रही है लेकिन उस पर कोई रेडिएशन नहीं हो रही है। लेकिन वहीं जब वो इस पर ई भी हो उस पर बी भी हो तो वो रेडिएट भी करेगा एनर्जी। अपनी ई भी लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी लगाएगा। ये वाली चीज़ें अभी हमें और ज़्यादा अच्छे से तब समझ आएंगी जब हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, अभी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी ऑफ कोर्स। यस, सो कंटिन्यूइंग टू द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि फ्री मूवमेंट करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का और अलाउ करते हैं चार्ज का अपने अंदर से फ्लो होने के लिए। और वहीं इंसुलेटर्स जो हैं इनका बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते फ्री मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का। ये बॉन्ड बना लेते हैं, जोड़ के रखते हैं और इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस को फ्लो नहीं करने देते हैं। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या क्या हो सकते हैं? पहला हो सकता है फ्रिक्शन। अगर हम रब करें एक बॉडी को दूसरी बॉडी से तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ की अगर हम बात करें तो अगर हम इन दोनों को रब करेंगे तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ जो है इन दोनों के अंदर से जो चार्ज है वो एक्सचेंज होंगे। ग्लास रॉड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज उसके पास आता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और वहीं नेगेटिव चार्ज उसके पास आता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। तो ग्लास रॉड अपने इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ को दे देता है जब हम दोनों को रब करते हैं। और इसी तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। क्लाउड्स गेट चार्ज यू टू फ्रिक्शन। ऐसे ही क्लाउड्स जो हैं इन पर भी हम देखते हैं बिजली कड़कती है तो क्यों होता है ये सब फ्रिक्शन की वजह से। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। क्या है इसका मतलब? द चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी। मान लीजिए मैंने कोई एक्सटर्नल बॉडी लगाई और उसमें मैंने एक पॉजिटिव चार्ज भर के मैंने एक बॉडी पे डाल दिया तो ये जो बॉडी है हमारी इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होंगे नेगेटिव चार्ज भी होंगे। अब हमें पता है जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज को, तो जितने भी हमारे नेगेटिव चार्ज हैं वो इस तरफ कलेक्ट हो जाएंगे इसके पास में। और हमें पता है सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो पॉजिटिव वाले चार्ज दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब मान लीजिए मैंने क्या करा, अभी यहाँ पे तो जो हमारी नेट चार्ज था वो ज़ीरो हो गया, लेकिन मैंने यही केस लिया। मैंने क्या करा, इस बारी मैंने जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज था उस तरफ से मैंने एक वायर ली और उसे मैंने अर्थ में लगा दिए। क्या होगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो फ्लो होते होते अर्थ के अंदर चले जाएंगे। अब मैंने क्या करा, मैंने जो ये वायर थी इसको मैंने हाथ से रिमूव कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज सारे गायब हो गए। फिर मैंने एक एक्सटर्नल बॉडी जो ली थी इसे भी हटा दिया।
अब जो ये हमारी बॉडी थी इसके अंदर क्या बच गया, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज ही इसमें बच गया। तो इसी तरीके से हमारा प्रिंसिपल वर्क करता है इंडक्शन का। इंड्यूसिंग बॉडी नीदर गेंस अ लूजेस चार्ज, द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज एंड फ्रंट फेस ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल्स टू द इंड्यूसिंग चार्ज बट नेवर बी ग्रेटर। इंडक्शन टेक्स प्लेस ऑनली इन द बॉडी ईदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग एंड नॉट इन द पार्टिकल्स। ये था हमारा इंडक्शन। कंडक्शन की बात करेंगे तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ट्रांसफर हो रहा हो चार्ज का, इसमें कि दो बॉडीज जो हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट में आ रही हैं। कॉन्टैक्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज इज नोन एज कंडक्शन। सिर्फ हम दोनों को हमने टच करवा दिया और इसमें क्या हुआ, जो चार्ज थे वो बहने लग गए आपस में। इफ चार्ज कंटिन्यू कंडक्टिंग बॉडीज पुट इन कॉन्टैक्ट विद अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी, एक चार्ज बॉडी है एक अनचार्ज बॉडी है, क्या हुआ जो चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को अगर मैंने साथ में रखा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहने लग जाएंगे चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में, और थोड़े टाइम बाद ये भी चार्ज हो जाएगा ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर। द चार्ज बॉडी लूजेस सम ऑफ द चार्ज विच इज इक्वल टू द चार्ज गेन बाय द अनचार्ज बॉडी। हम देखेंगे कि लास्ट में इन दोनों के पास बराबर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए पहले इसके पास 6 थे और इसके पास कुछ भी नहीं थे, चार्जलेस था, तो लास्ट में क्या होगा इसके पास भी 3 आ जाएंगे, इसके पास भी 3 ही आ जाएंगे। तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा कंडक्शन। आगे बात करेंगे चार्ज डिफर्स फ्रॉम मास इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, पहला दैसा यूनिट चार्ज इज डिराइव फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटी वाइल मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। डिफरेंस हमसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से याद रखना है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व बट मास इज नॉट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज आर ऑफ टू टाइप पॉजिटिव नेगेटिव बट मास इज ओनली ऑफ वन टाइप पॉजिटिव। फॉर अ मूविंग चार्ज बॉडी मास इंक्रीज व्हाइल चार्ज रिमेंस कॉन्स्टेंट। ये सारी बातें हमें याद रखनी है। ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन नॉट अट्रैक्शन। अगर हमें किसी भी चीज़ का ट्रू टेस्ट करना है उसके इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो हम सिर्फ वो रिपल्शन से ही कर सकते हैं कि वो कितना एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ना कि हम उसको अट्रैक्शन से करेंगे कितना वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल स्पेसिफिक चार्ज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम बाय कॉन्स्टेंट। हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा था, आई कैन नॉट फाइंड इट, बट उसके अकॉर्डिंग ये हमारा कॉन्स्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद कर लेना है। चार्ज कैन बी डिटेक्टेड और मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसके हेल्प से हम